हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश सुपा और आप देख रहे हो अभी फॉर यू बाइकर को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूं सोन भंडार को। जी हां दोस्तों, सोन भंडार के बारे में आपको A to Z सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में दे दूंगा, या जो भी अपाय है मार्केट में, जिस भी तरह की बात है मैं आपको टोटल इस वीडियो में देने वाला हूँ, पूरा इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो यार, बिहार का एक छोटा सा शहर राजगीर, जो कि नालंदा जिला में स्थित है। जी हां दोस्तों, ये वही शहर है जो कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। मैं उसी मगध साम्राज्य की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कि सिकंदर भी, आपको विश्व विजेता मानने वाला सिकंदर भी यहाँ पे आके हार गया था, और यहीं से मगध से वो वापसी हो गया था, क्योंकि यहाँ पे आके वो बिल्कुल बुरी तरीके से हार गया था। और अगर ये जंग वो आगे जारी रखता तो उसकी मौत भी यहाँ पे हो जाती, तो यहाँ से वो रिटर्न हो गया था। तो मैं उसी की बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, सोन भंडार का। तो सोन भंडार के बारे में कहा जाता है, याद देखो, इसके बारे में दो मिथ है। पहला कहा जाता है ये कि ये जो खजाना है ये बिंबिसार का है। हालांकि इसका प्रमाण भी ज़्यादा है कि हाँ, ये खजाना बिंबिसार का है, लेकिन कुछ लोग का यह भी मानना है कि ये खजाना जरसंधा का है, मगध का पूर्व सम्राट जरसंधा। कुछ लोग का ये भी कहना है कि ये जो खजाना है ये जरसंधा का है, लेकिन उसका प्रमाण बहुत ही कम है, ना के बराबर है उसका प्रमाण कि ये जो सोन भंडार है वो जरसंधा का खजाना है। बल्कि जो मौर्य साम्राज्य है बिंबिसार, उसका प्रूफ ज़्यादा मिला यार, एविडेंस है कि हाँ भाई, ये खजाना उसका है। क्योंकि अजात शत्रु ने जहाँ पे बिंबिसार को कैद करके रखा था, वो जगह ठीक जो स्वर्ण भंडार है उसके बगल में ही है। तो चलो, वीडियो में बने रहो, मैं पूरा डिटेल्स आपको वीडियो के अंदर देता हूँ। तो जंगलों के बीच से होते हुए हम लोग पहुँच गए हैं स्वर्ण भंडार, और ये देखो कि जैसा आपको सामने दिख रहा होगा, ये देखो कुछ इस तरह से दिखता है स्वर्ण भंडार दूर से। ये है दूर का नज़ारा, बाकी आप वीडियो में देखो, मैं आपको पूरे डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये देख लो यार, सोन भंडार किस तरह से दिखता है। पहाड़ों के बीचों बीच बना है सोन भंडार, और यहाँ पे दो कमरे बनाया गया है जिसमें खजाना रखा गया है, वो अंदर है और एक बाहर है। तो वही गेट से लॉक किया गया है इस खजाने को। तो बाकी डिटेल्स मैं आपको देता हूँ आगे। तो ये देख लो यार, कुछ इस तरह से नज़ारा है, देखो एकदम प्राकृतिक के गोद में बना ये सोन भंडार, बहुत ही मस्त लगता है। ऊपर पहाड़ है, और ये यहाँ से एंट्री लेते हैं हम लोग अब अंदर की तरफ। यहीं पर भगवान बुद्ध ने मगध के सम्राट बिंबिसार को धर्मोपदेश दिया था। मौर्य शासक बिंबिसार ने अपने शासनकाल में राजगीर में एक बड़े पहाड़ को काटकर अपने खजाने को छुपाने के लिए गुफा बनाई थी, जिस कारण इस गुफा का नाम पड़ा था सोन भंडार। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि सोने को सहेजने के लिए इस गुफा को बनाया गया था, जिसे आज तक कोई खोल नहीं पाया। यह खजाना मौर्य शासक बिंबिसार का बताया जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे पूर्व मगध साम्राज्य जरसंधा का भी बताते हैं। हालांकि इस बात के ज़्यादा प्रमाण है कि यह खजाना बिंबिसार का ही है, क्योंकि इस गुफा के पास उस जेल का अवशेष है जहां पर बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बनाकर रखा था। दोस्तों, इस बड़े से चट्टान को काट करके दो कमरा बनाया गया था, बड़े बड़े दो कमरा बनाया गया था, जिसमें फर्स्ट कमरे में तो सिपाही को बैठने के लिए जगह थी, लेकिन सेकेंड कमरे में खजाने को रखने के लिए जगह बनाया गया था, जो कि इस कमरे के अंदर है जो सामने आप देख रहे हो। इसके जो गेट दिख रहा है, देख लो दोस्तों, जहाँ पे कि एक बंदा ने पंखा हिला रहा है, इसमें जो फर्स्ट कमरा है यहाँ पे सैनिक को बैठने के लिए था, और सेकेंड कमरे के कमरा में खजाना छुपाया गया है। फ्रेंड्स, ये जो सोन भंडार गुफा है यह पैभर पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। तो दोस्तों, ये जो आपको गेट दिख रहा है, इसके बगल में देख लो एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा कटा हुआ, ये जब अंग्रेज़ों का समय आया तो उसने इसको काट करके इसमें वो तोप को डाला, और इसको इसके सामने जो सोन भंडार का जो दूसरा गेट है जिसके अंदर की खजाना छुपा हुआ है, उसको तोड़ने की कोशिश की थी। तो देखिए, मैं आपको आपको वीडियो में दिखाता हूँ किस तरह से। ये देख लो दोस्तों, जब अंग्रेज का समय आया तो उसने इसको छेद करके इसमें अंग्रेज़ों ने तोप डाला, और तोप डाल के इसके सामने ठीक सोन भंडार का गेट है जिसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें ये नाकामयाब रहे। आप लोग जिस प्राचीन इतिहास को देखने आए हैं, इस जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार। सोन का मतलब होता है सुरंग, ये सुरंगों का भंडार है, जो चीन मानी का लंबी गुफा, जो सप्तर्षि गुफा पर बाहर निकल कर जहां से गर्म पानी का झरना आ रहा है, उसी के मध्य वाले रास्ते से 563 मीटर ऊपर निकल जाएगा तो सप्तर्षि गुफा और जंगली गुफा। तो जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था, 3 महीने के बाद उसी गुफा के भीतर के प्रथम बौद्ध सम्मेलन की घोषणा किया गया था, जो 500 भिक्षुओं और बौद्ध के साथ किया गया था। तो गुफाओं से लेकर अरे इस मन का आगे आगे थोड़ा सा तब समझिएगा, तो उस गुफाओं से लेकर इस गुफाओं के अंदर लोग संबंध बना हुआ है। तो इस गुफा के भीतर भी मुनि गौतम जैन स्वामी तपस्या करते थे, जो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु धन संपत्ति पैसे के लालच में अपना पिता को जेल के खाने में कलवा कर पाकर मार डाला।
रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारी धन संपत्ति इसी गुफा के भीतर मुनि गौतम जैन स्वामी को दान दे दिए। मुनि गौतम जैन स्वामी साधु थे, संत थे, उनको धन का जरूरत नहीं था और सारे धन 3 माइल के लंबी गुफा में भी गिर डाले और अपना तपस्या प्राप्त होने के कारण पत्थरों की चट्टानों से दरवाजा को प्राप्त कर दिया। तो जब अंग्रेज का शासन आया तो सामने वाली जंगला से तोप लगाया तो काला दाग होकर रह गया लेकिन दरवाजा टूटा नहीं। अगर इसे छोटा डाना मार से तोड़ा जाए तो टूट जाता तो बड़ी बात नहीं था, लेकिन कलकत्ते का वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी को टेस्ट किया तो ऐसा पता चला कि इस पहाड़ के भीतर में विस्फोटक पदार्थ है जैसे लोहा, गंगा, आयरन, सल्फर की मात्रा है। तो ज्वालामुखी फटी तो आग लगने की भय थी और गर्म पानी बंद होने का उम्मीद था, इसी कारण से छोटा डाना मार से नहीं तोड़ा गया। लेकिन मुनि कैसे जी ने बताया कि दरवाजा खोलने के लिए एक मंत्र लिपि बताया गया। सर इधर से आ जाइएगा श्रीमान, ये मंत्र लिपि जो देख रहे हैं इस मंत्र लिपि टीवी चैनल पर भी प्रस्तुत होता है। इस मंत्र का नाम था शंख लिपि। ये 3 बड़ी लड़की का रखा जाता था जैसे रत्न शागर चंद्र रंग रत्न रवि। इसे 1100 में अल्लाह के बख्तियार खिलजी का जब राज आया तो सारे पुस्तकों को आग लगाकर नष्ट कर दिया गया। इसी कारण से इसकी पढ़ाई न हुआ न उसका दरवाजा खुला। तो गड्ढे को देख रहे इस गड्ढे से जैसे थे शंकर पार्श्वनाथ का प्रतिमा और दूसरी से आदि नाथ का प्रतिमा मिला और कीमती पत्थर लगने के कारण नालंदा मंदिर से संकाली चढ़ा गया। तो बाहर वाली मिट्टी से स्पष्ट कर दिया जाता है कि आज है क्या। आज एक बार में तो ये फ्रेंड्स गाइड ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है तो ये भी आप देख लो, बाकी मिलता हूँ। तो दोस्तों दीवार पे एकदम साफ साफ निशान है कि हाँ भाई ये एक गेट है और इस गेट को किसी पत्थर के बड़े टुकड़े से एकदम पैक कर दिया गया है और बगल में शंख लिपि में कुछ मंत्र भी लिखा हुआ है। जो भी बंदा उस मंत्र को पढ़ लेगा ये गेट ऑटोमेटिक खुल जाएगा। और ये देख लो यार इस गेट के ऊपर काला धब्बा दिख रहा है जिससे ये पता चलता है कि सही में अंग्रेज़ों ने यहाँ पे वार किया था। और मैं आपको वो जगह भी दिखाने वाला हूँ जहाँ पे पत्थर को काट के तोप डाल के इस पर अटैक किया गया था। ये देख लो यार उस तरफ वो जगह है, इसी में तोप डाल करके यहाँ पे अटैक किया था। तो यार यहाँ पे विष्णु भगवान का मूर्ति था जिसे कि बहुमूल्य पत्थर की मूर्ति होने की वजह से इस मूर्ति को नालंदा म्यूजियम में रखा गया। फ्रेंड्स सोन भंडार के बारे में बहुत सारी कथाएँ प्रचलित हैं, लोगों में बहुत सारी अफवाहें भी हैं। तो मैं बहुत टोटली चीज़ आपको बता दिया हूँ, जितना हो सका दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताया हूँ। और मेरे वीडियो का यही खासियत आ जाता है यार कि मैं जो ही बताता हूँ उसकी पूरी डिटेल्स बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ करके सिर्फ दिखा करके नहीं, उस जगह का मैं पूरी डिटेल्स बताता हूँ। यार बाकी इस वीडियो के बारे में यार कोई भी आपको लगा है ड्रॉबैक की कोई भी प्रॉब्लम है भाई इस वीडियो में तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये भी बता देना यार कि नीचे मैं नेक्स्ट किस चीज़ के ऊपर वीडियो अपलोड करूँ और किस चीज़ के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। बाकी यार अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये भी बता देना कि ये वीडियो कैसा लगा हो तो यार कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखो यार। हमें भी अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट करते हो तो और वीडियो बनाने में मज़ा भी आता है। तो चलो यार मिलता हूँ मैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।